तस्वीरों में दिख रहा नजारा NH 707 पोंटा साहिब शिलाई गुमा का है, जहां लगातार निर्माण कार्यों में जुटी कंपनियों द्वारा नियमों को दरकिनार कर NH का निर्माण हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि निर्माण कार्यों की मनमानी के आगे NH प्रबंधन और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कार्य के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। हाल ही में बरसात के दौरान इसके नतीजे देखने को मिले थे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हो रही ब्लास्टिंग के चलते आए दिन जाम लगा रहता है और कई घंटों तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता है। जो NH 707 है, इसमें दिन को ब्लास्टिंग हो रही है। दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और दिन को लोगों को परेशानी होती है। इसमें एक घंटे का जाम लगता है और दिन को परेशानी होती है जो पब्लिक को, वो नहीं होनी चाहिए। बस में परेशान होते हैं, पेशेंट होते हैं बस में, और भी आम लोगों को जल्दी पहुंचना पड़ता है, तो इसलिए दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये ब्लास्टिंग करते हैं ये रोड पे, लोगों के लिए तकलीफ है कि कोई बीमार है कोई, मतलब ये जल्दी रास्ता नहीं देते, रास्ता देने में उल्लंघना करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रची राम है। कहाँ के रहने वाले? पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत द्राबिल। द्राबिल के रहने वाले? द्राबिल के। आप शिलाई की ओर जा रहे थे? शिलाई की ओर पौंटा से आया हूँ। कितना जाम लगता है यहाँ जी? जाम कितना लगता है? जाम क्या, कभी आधा घंटा, कभी घंटा भर, कभी तो 15-20 मिनट में निकाल लेते हैं जब गाड़ी बहुत बढ़ रहे हैं। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SDM राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्यों में जुटी कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग की कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस संदर्भ में बड़वास के समय जो आप समय बता रहे हैं, आप जो ब्लास्टिंग की जो घटना घट रही है, जो काम कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी हमारे कार्य से तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस बारे में ऐसा है कि अगर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो भी दिखाया है, तो उसमें जो है हम नियमानुसार उचित कार्रवाई हम करने वाले हैं इनके खिलाफ। यहाँ प्रशासन से ना कोई अनुमति है इस संबंध में, ना हमको उन्होंने कोई जानकारी प्रदान की है। गौरतलब है कि हाल ही में NGT के भी निर्माण कार्य को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। हैरानी इस बात पर भी है कि सब कुछ जानते हुए भी NH प्रबंधन व स्थानीय प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पंजाब केसरी TV के लिए सिरमौर से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।